सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू युवराज शर्मा व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे ही रहें, ये मैं भोले बाबा से प्रे करता हूँ फ्रेंड्स। तो गाइज, मेरे को हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने बोला था कि जाट कॉलेज की स्पेशल वीडियो बनाएं। मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ जाट कॉलेज के बारे में कि ये बड़ौत में स्थित है, और आज हम इसकी फुल वीडियो बनाते हैं स्पेशल, जो हमारे सब्सक्राइबर ने डिमांड की है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं अभी जाट कॉलेज में ही हूँ, तो हम जाट कॉलेज की प्रॉपर वीडियो बनाते हैं और आपको इसके बारे में अच्छे से बताता हूँ और अच्छे से इसको सब दिखाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर आज के दिन की शुरुआत करते हैं, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जाट कॉलेज का गेट है और ये इस लिंक रोड को कनेक्ट करता है। अब हम अंदर चलते हैं जाट कॉलेज के। सो फ्रेंड्स, हम छोटे गेट में से एंट्री करते हैं, अभी बड़ा गेट लॉक है। तो ये यूपी का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर कॉलेज है। ये यहाँ पे पहले पार्किंग हुआ करती थी, अभी इसको बंद कर दिया गया है। ये स्टेडियम है, यहाँ पे सब बच्चे क्रिकेट सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, वो वहाँ पे एंट्री गेट था, बड़ा गेट, उसके बाद भी एक गेट स्टार्ट हो जाता है। ये प्लेग्राउंड माना जाता है इस गेट से पहले सब। और अभी हम मेन कॉलेज के अंदर चल रहे हैं। फ्रेंड्स, एंट्री करते ही गेट के ये फिर से एक पार्क हमें नज़र आता है, आप देख सकते हैं। और ये हॉस्टल वाला गेट है, हॉस्टल वाले रूम्स हैं, सॉरी, ये छात्र हैं सभी। यहाँ पे कुछ छात्र खड़े हुए हैं, हम लोग इनसे बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, भाइयों से बात करते हैं, हम इनसे जानते हैं कौन सी क्लास में है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th क्लास में हो। फिर डिग्री कॉलेज में क्या कर रहे हो? अच्छा, रेस करते हो। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था, ये रेसर भी रेयर ग्राउंड भी माना जाता है। आप किस लिए? BA 3rd year में है। और आप सब? और आप? BA 1st year। गुड। तो जैसे कि माना जाता है कि सबसे बड़ा एग्रीकल्चर यूपी का ये कॉलेज है, तो ये कितने एकड़ में है? 600 एकड़ में ये कॉलेज है। तो अच्छा, पाँच चार जिले का तो अच्छा बाहर अच्छा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन भाइयों ने भी बताया है कि ये सबसे बड़ा कॉलेज माना जाता है। ये इसका सेकंड गेट है, आप देख सकते हैं। ये बिलोनी रोड पे निकल जाता है। और फ्रेंड्स, ये इसका सेकंड पार्क है, जब बच्चे स्टडी करके कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे रुक जाते हैं और कुछ अपने घर चले जाते हैं। ये उस साइड इसका प्लेग्राउंड है, मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में बता रखा है, प्लेग्राउंड के बारे में आपको दिखा भी रखा है, आप वो देख सकते हैं जाके। सो फ्रेंड्स, ये इसका ऑफिस रूम है, ये वाला। इसकी बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, 100 साल से ऊपर हो चुका है कॉलेज ही, 100 साल से ऊपर हो चुका है पूरा। ये इसका बेल है। सो फ्रेंड्स, थोड़ी आगे चलते हैं, ये इनकी क्लास रूम है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ऊपर ये लाइब्रेरी है, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी से थोड़ा आगे चलते ही हमें आज ये लाइन मिली है काफ़ी, आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं किस चीज़ की लाइन लगी हुई है। तो भाई, ये किस चीज़ की लाइन लगी हुई है?
फार्म जमा कर रहे हैं अपना स्कॉलरशिप का लोन ले। अच्छा स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा कर रहे हैं। अच्छा को डबल बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। तो भाई कितने ये बात ये लंडे लग रही। सो भाई तुम कब से पढ़ते हो यहाँ पे? भाई दूसरी साल है बीएससी सेकंड ईयर में। बीएससी सेकंड ईयर में एक साल हो चुकी है। सो भाई तुमसे बहुत अच्छा लगा हमें बात करके, थैंक यू सो मच। चलते हैं फिर भाई यहाँ से। सो फ्रेंड्स ये वो जगह है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो मेरे पीछे जगह है ना, इस कॉलेज से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और कभी कभी आंखें नम हो जाती हैं। कुछ जगह पे जाके बहुत गुस्सा भी आता है, कुछ जगह पे आके कॉलेज के अंदर इन यादों के बारे में आपको बताऊंगा। यदि आप वो चीज़ सब जानना चाहते हैं तो 50,000 सब्सक्राइबर का वेट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। चलिए फिर अब फ्रेंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स ये एक फिर से हमें पार्क नज़र आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे बैठे हुए भी हैं। हम फिर यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। फ्रेंड्स ये वाला गेट बुढ़ाना रोड को जोड़ता है, ये मैक्सिमम बंद रहता है। चलिए फिर थोड़ा आगे चलते हैं। फ्रेंड्स अब देख सकते हैं जैसे कि स्कूल टाइम में काफ़ी स्टूडेंट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ये सब विद्यार्थी यहाँ पे एग्रीकल्चर बीएससी या फिर बीए काफ़ी डिग्रियाँ हैं यहाँ पे। यहाँ पे कुछ टीचर खड़े हैं, ये क्लासरूम है सामने। तो बात करते हैं। सो फ्रेंड्स अभी हम इनसे फिर से बात करते हैं। तो आप सबका नाम क्या भाई हो? क्या बात है। तो आप यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं आप तीनों? तो यहाँ पे सामने इकोनॉमिक की क्लास है, तो ये वाली क्लास किस चीज़ की है? हाँ पॉलिटिकल की है। ओके ओके, तो सामने इकोनॉमिक्स की है। ठीक है, तो आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? सेकंड ईयर। आप दो तीनों सेकंड ईयर में? ठीक है। कॉलेज के बारे में बताया तो पहली बात तो ये है कि कॉलेज एक तो बड़ा कंटिन्यूस है यहाँ पे, उसकी वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। सेकंड ये है कि स्टूडेंट पास डिस्ट्रिक्ट में जो गवर्नमेंट कॉलेज उसमें इस कॉलेज की ज़्यादा वैल्यू आई है। बच्चे यहाँ का जो डिपार्टमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, अलग अलग क्लास होती है, इस वजह से हम यहाँ पर। अच्छा कैंपस बनने वाला है, क्या बात है, बहुत अच्छे। ठीक है फ्रेंड्स हम बाय करते हैं भाइयों को, थैंक यू सो मच। अब थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ से। थोड़ा आगे चले गए हम उनसे। ये इधर क्लासेस है भाई, ये हम उस गेट से निकल के सामने मेन गेट की रोड पर आ गए हैं। सो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग क्लासेस हैं। थोड़ा फिर वहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा आगे चलने के बाद हमें डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी मिला है। ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे सब गुरुजन खड़े हुए हैं सामने, ये हम थोड़ा पीछे के ही
रास्ते से जा रहे हैं उधर, फिर हम सामने के रास्ते से जाएंगे, ठीक है? फिर इस डिपार्टमेंट से थोड़ा आगे और चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फिर थोड़ा आगे चलने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा इससे आगे फिर हम चलते हैं, क्लासेस भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये जूलॉजी लैब है, इससे भी काफ़ी यादें जुड़ी हुई हैं, बताऊंगा आप सबको। सो फ्रेंड्स, ये वाला जो गेट है, ये पीछे एक्सप्रेसवे को हाईवे को जोड़ता है, जिस हाईवे के बारे में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। और पीछे मैं आपको ग्राउंड भी दिखा चुका हूँ, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एग्रीकल्चर ब्लॉक है, ये जिस के नाम से मशहूर है। ये वो रोड है, हर एक चीज़ के बारे में बताने का मन करता है, आंखें भी कभी कभी नम हो जाती हैं। एनीवेज, सो फ्रेंड्स, वापस अब यहाँ से चल रहे हैं हम। सो फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ से बाहर निकलते हैं कॉलेज से, ठीक है?